महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एक बड़ा फैसला लिया है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, पिछले काफ़ी टाइम से लगातार उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट लगातार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहा है और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपडेट आ रही है वो है शिवसेना पार्टी को लेकर। शिवसेना पार्टी को लेकर जो कुछ टाइम पहले ही राहुल नार्वेकर के द्वारा एक बड़ा डिसीजन लिया गया और शिवसेना को एकनाथ शिंदे को सौंप दिया गया और उनके द्वारा कन्फर्म कर दिया गया कि शिवसेना का असली हकदार जो है वो एकनाथ शिंदे हैं, जिसके खिलाफ में उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी कुछ टाइम पहले ही और उनके द्वारा बोला गया था कि राहुल नार्वेकर के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला लिया जाए क्योंकि राहुल नार्वेकर ने डिसीजन जो है वो सही से नहीं लिया है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपडेट आ रही है और बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज इस पर सुनवाई करने के लिए जो है वो रेडी हो गए हैं। और जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 7 तारीख की डेट दी गई है, 7 मार्च का डेट दिया गया है इस केस पर सुनवाई शुरू होने के लिए। अभी जो 7 मार्च से स्टार्ट होगी इस पर सुनवाई, उसके बाद ये देखने को मिलेगा कि आखिरकार कोर्ट के द्वारा इस पर क्या डिसीजन लिया जाता है और शायद इसके लिए डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम भी लगे। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? क्या आने वाले टाइम पे उद्धव ठाकरे गुट फिर से एक बार शिवसेना को अपने कब्जे में ले लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उद्धव ठाकरे गुट की तरफ फैसला सुनाया जाएगा या नहीं? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।